ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में अज्ञात चोरों ने गेहूं के बोरे से भरे एक ट्रक को चोरी कर लिया है। आपको बता दें कि यह ट्रक पीडीएस के गेहूं के बोरे से भरा हुआ था, जिसे वेयरहाउस ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक माल सहित चोरी हो गया। वहीं चोरी हुए गेहूं की कीमत लगभग 3 लाख के करीब बताई जा रही है। इसी क्रम में ट्रक चालक ने बताया कि वह ट्रक छोड़कर नजदीक में कहीं चाय पीने चला गया था और जब वह वापस लौटा तो उसे ट्रक गायब नजर आया। उसने उसकी शिकायत तत्काल अपने मालिक से की। वहीं पुलिस ने मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब पुलिस चोरी किए गए 500 बोरी गेहूं को खोजने में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस उन अज्ञात चोरों की तलाश भी कर रही है जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक ट्रक जो है गेहूं भरकर वेयर हाउस जा रहा था तो रात को रायरू में खड़ा हुआ था और ट्रक मालिक द्वारा रिपोर्ट दर्ज, सुबह आगे जब चेक करा तो ट्रक वहां पे मौजूद नहीं था और लावारिस हालत में दूसरे स्थान पे पड़ा हुआ मतलब मिला वहां पे खड़ा हुआ और उसमें से गेहूँ चोरी चले गए थे। तो उनकी रिपोर्ट पर से थाना पुरानी छावनी में धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ट्रक में करीब 500 बैग थे, 40 किलो का पर बैग था, ऐसे करीब 3 लाख रुपए के कीमती के गेहूं चोरी गए और पुरानी छावनी पुलिस उसमें विवेचना कर रही है। जल्दी बदमाशों का और माल बरामद किया।